आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं एक फैमिली के पास पहुँची हूँ। मैं गुजर रही थी इधर, ये बाजार है देख सकते हैं आप। तो इस फैमिली के पास मैं पहुँची हूँ। देखो ये अम्मी, आप क्या कर रही हैं? ये क्या करते हैं फिर आप? गरीब है, ये बेचते हैं। अच्छा, ये इकट्ठा करके रखते हो फिर बेचते हो? ये अंदर डाल रहे हो? कहाँ से मेला है ये इकट्ठा किया है आपने? बहुत दूर से। कहाँ से? लकड़ियों से नीचे और कूटा ये सारा? हाँ जी। अच्छा, तो ये आपके क्या है? हाँ जी। अच्छा, तो आप का कमाने वाला कोई नहीं है? तो ये कचरा फिर आप कितने का भी बिक जाता है? एक सौ त्रीस रुपये में ये कुत्ता सारा, मैंने तो देखा भी नहीं पहले, ना बेचा है तो जो है ना 130 रुपये में ये सारा कुत्ता है। ये क्या करें बेचारे, इससे रोजी तो नहीं बनती ना? आप फिर क्या करती हो, कैसे खाना बनाती हो? अच्छा, ये उठा कर अंदर डालोगी? इकट्ठा करके अंदर रख दोगे जो आएगा? तो ये रोड पर ले आते हो, कैसे ले आते हो? बच्चों को उठवा के? उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखें, उसको तो बेचारी को उठाया भी नहीं जा सकता, बहुत अफसोस हो रहा है। दवाई जो के पैसे नहीं, तो फिर ये काम भी आम नहीं होता। काम है सास में जी। हाँ, आप अंदर चलो ना, आप अंदर चलो फिर बताएं आप क्या हालात है। देखो ये हाथ होते हैं खाने आए, हाथों से गंदा है, हाथों से आप ले लेते ना, जो दूसरा होता है उठा लेते हैं उससे, तो वो ले लेते ना। ये तो कैसे आप उठा रहे हैं, हाथों से इतना उठाए ना, उठे अम्मी जी आप ना उठाएं, बच्चों को देखें बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है, बदक है बहुत ज्यादा। तो आपका घर कहाँ है? आप ये ले जाओ अंदर, तो ले जाओ, मैं आपसे बातचीत करती हूँ और आपका घर देखती हूँ। ये तो एलर्जी हो जाती होगी, देखें बच्चों के हाथों पर, देखें जख्म, देखें ये कुत्ता जो है ना इकट्ठा कर करके बच्चों के हाथों पे जख्म हो गए हैं। गरीब लोग क्या करें, महंगाई भी इतनी है ना, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो 100 में क्या बनता है? ये सारा जो है ना 100-150 लाख ये है, तो ये कहते हैं कि 200 में भी बिक जाए ना, फिर भी हमारे लिए अच्छी बात है। कचरा अंदर ले आते हैं, देखें पहले भी उन्होंने लकड़ी इकट्ठी की हुई, ये कचरा भी अंदर रख रहे हैं। तो ये सारा इकट्ठा करके इधर रखते हैं, तो फिर जब कोई लेने वाला आता है ना ये दे देते हैं। तो देखें इसका तो, इससे तो काम नहीं हो रहा, ये तो बहुत मजबूर है। तो अम्मी जी आप बताएं ना, आपके घर के हालात कैसे हैं, क्या है, क्या मसला है आपको, क्यों नहीं रोजी पूरी होती, आप कमाने वाला नहीं है? ये आपको बड़े देखो सर, ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर ये उठाने देते हैं आपको लकड़ियों के नीचे से? आप फिर आपके लिए बहुत मसला बनता होगा, कोई उठाने देता है कोई नहीं उठाने देता है। ये कचरा जैसे ये लकड़ी पड़ी हुई है ना, इस लकड़ी से ये कचरा निकलता है, तो कोई उठाने देता है, वो खुद भी बेच देते हैं। तो ये जाते होंगे फिर कैसे, बहुत ही मुश्किल काम है इनके लिए, बिल्कुल पता नहीं कैसे लेकर, उस बेचारी को देखते वो उठ भी नहीं सकती और खांसी हो रही है इस कचरे की, खाके की वजह से खाका हो जाते ना। बच्चे देखे इनके बच्चे, काम कौन कर दिया, क्या बना रही हो? ए आलू। अच्छा, यही कुछ बनाओगी और बच्चों को दोगी? जी बिल्कुल, कहती है कि जो कुछ हमारे पास है हम यही कुछ बनाते हैं। 5-6 बच्चे हैं, 2 ये हैं और 1 वो जो है औरत जिसकी मसला है बाजू का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जगह वगैरह यही है आपकी बस? इसमें कैसे गुजारा करते हैं आप? करनी से हो ले जा कर सकते हैं सोड़े को सोड़े। वो जो पानी वगैरह वो नहीं है कहीं पर भी इंतजाम नहीं है? कहाँ से ले आते हो फिर पानी? कहाँ से पानी ले आते हो? अच्छा, तो फिर तो मसला है, फिर वो कभी लेने देते हैं कभी नहीं लेने देते, फिर ऐसे
तो ये अम्मा जी आप सारा काम करती हैं? काम करा जी, जी। तो ये वो तो वैसे भी नहीं कर सकती जी, बिल्कुल। तो ये अम्मा जी करती है और बच्चों को साथ लेकर जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको साथ लेकर जाती है। बहुत ही मुश्किल है ये रोजी कमाना और बहुत ही, तो आप सब बहन भी इनकी सपोर्ट करनी है इंशाल्लाह। हकदार फैमिली है जी, तो क्योंकि अगर ये बच्चे ज्यादा हैं और खाने पीने के लिए इनके लिए कुछ नहीं है, अल्लाह पाक इन पर करम करे। बिल्कुल, अल्लाह पाक इन पर करम भी करे और अल्लाह पाक इनका साथ भी दे जी, बिल्कुल। तो जो भी मेरे देखने वाले हैं ना, सबको मैं कहती हूँ कि इनका साथ दे, बिल्कुल। तो ये देखें इधर, ये एक कमरा है मेरे ख्याल में इसका। अच्छा, उस बेटी की आपने ग्रीफ पक्की कर दी है, फिर कैसे करोगी शादी? शादी और करे वाला फरमाया हो क्या करे सी? नहीं है आपके पास कुछ देने को? जी। तो देख सकते हैं कि इस बेटी के लिए इनके पास कपड़े नहीं है, रुखसत करें जी, बिल्कुल। इनके लिए बहुत ज्यादा मसला है, अम्मा जी कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बेटी भी परेशान है बहुत ज्यादा। तो अम्मा जी आप फिर क्या करें? क्या करा, पूरा करा, इना खवावा, उनका जायज बढ़ावा जी, बिल्कुल। मैं तुम कैसा नहीं बनती है, मम्मी जी आपकी बाहर को दर्द हो गए जी, जी। अम्मा जी रो रही है, देखिए आंखों आंखों में से आंसू आ रहे हैं अम्मा जी की, सारी गुजारिश सब बताओ जी, भूखे रहे। हाँ ये तो है ना, बहुत अफसोस होता है जब इस ऐसी फैमिली में देखती हूँ ना, मेरे दिल को कुछ होने लगता है जी, बिल्कुल। क्योंकि जो है ना, तो ना इनके लिए कोई खाने पीने का है कुछ, अल्लाह पाक आपका साथ देगा और इस बेटी का भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, तो जिनके पास माँ के पास कुछ ना हो तो आप किस और क्या काम करते हैं? बच्चे पर जाता है इतनी तेज धूप में, तो फिर वो क्या स्त्री क्या बनती है? क्या पड़े, ये 200-150 बनती होगी और क्या? चार है आपके पास? नहीं, कोई नहीं, कोई। क्या नहीं? दो कर ले, दो दो कहते हैं कि हम दो दो इकट्ठे सोते हैं, हमारे पास चार पाइयां भी नहीं। और इतनी गर्मी में अगर दो दो इकट्ठे सोए तो वो कैसे गुजारा होगा? ना पंखे हैं, यही जगह इसमें सब गुजारा करते हैं ये देखने। मुझे तो समझ भी नहीं आ रही ये कैसे गुजारा कर रहे हैं जी, इतनी फैमिली और कैसे ये रह रहे हैं इतनी धूप में, ये नीम का दरख्त है इनके पास, इसके नीचे पता नहीं क्या, ये तो किचन बना हुआ है ना, तो आगे छांव भी नहीं है, तो दरवाजे से आगे जो ना वो कपड़ा लगाया हुआ है, कपड़ा लगाया हुआ है, इनका दरवाजा टूटा हुआ है, दर्द हो रहा है कहते हैं। बैठी रानी है, बैठी रानी काम नहीं कर सकती, काम नहीं है दिया करेंगी, मदद करो, मदद है गरीब, मदद ही परेशान है जी। रात में मुझे नींद नहीं आती इस बच्चों को देख के, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, रोजी के लिए और सब के लिए खाना बनाना और बहुत मुश्किल। देखो बेटी उसकी सोच रही है, कोई काम भी नहीं कर सकती, उसके तरीफ पकी होगी, उनके लिए जहेज नहीं है जी। तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बस रहम करे, तो इंशाल्लाह सब मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता अल्लाह पाक देगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ आता है। बहन भाई इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे, जी बिल्कुल, देखने वाले हैं तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचे जी इंशाल्लाह। इनका है पानी कानी बार उभार के आए, तो देखें इन्होंने ड्रम ढाके हुए हैं, ऊपर से ढक्कन दिए हुए हैं, तो ये पानी का इनका, ये दिन को भी इस्तेमाल करते हैं और रात को भी यही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गर्म है पानी, ये कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? मजबूरी करूँ। अच्छा जी, क्योंकि इनके यहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं है ना जी, ये दो ड्रम इन्होंने रखे हुए हैं, दो भांत गए ये, फिर आप भर के ले आती हैं जी, तो बच्चे तो आपके छोटे हैं जी, वाला छोटा कुत्ता था जो भर के ले सकता। अच्छा जी, फिर लेने देते हैं आपको पानी भर के? हाँ, पहले अच्छा जी। तो आपका घर का पानी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको घर का पानी मिल जाए, मोटर वगैरह लग जाए, लाइट है आपके यहाँ? जी हाँ। अच्छा, तो फिर ठीक है इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि आपकी एक मोटर लग जाए ताकि आप कहीं से पानी लेने ना जाएं, आप खुद पानी इधर इस्तेमाल करें शाम को भी और सुबह को भी जी। हाँ, और सब बहन भाइयों से हमारी गुजारिश है कि आप सब बहन भाइयों ने इनका साथ देना है जी, ताकि इनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। रात नींद नहीं आती, परेशानियां का नहीं, एक ही है ये औरत है जो इनका सबका ख्याल रखती है। हाँ, ख्याल रखती है सबका। रोटी खा दी हूँ, मेरा हाल हो रहा बेटा, हूँ खा दी हूँ। प्याज काट कर कहती है कि मैंने सालन नहीं था मेरे पास, तो मैंने खाना खाया है जी।
तो इन बेचारों को क्या हो फिर? पानी गरम बिल्कुल, पानी पीने जहाँ पानी भी ना मिले वहाँ क्या मिलता है? काम करा मेरी कसी पौधी जी ये माँ जी कह रही है कि मेरी आंखों की दीद कम हो चुकी है, तो मैं काम करने के लिए जाती हूँ ना, मैं गिर जाती हूँ कभी कभी, तो थक जाती हूँ और गिर जाती हूँ। तो इनका मसला बहुत ही ज्यादा खराब है। तो पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इनका तो मुझे हालत देखी भी नहीं जा रही। बिल्कुल।